नमस्ते दोस्तों, ममता की रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो आज बना रहे हैं शाही पनीर। इसके लिए हमने काटे हैं टमाटर, प्याज, साथ में ही पनीर काट के रख लिया है। थोड़ा सा पनीर हमने कद्दूकस कर लिया है ऊपर से डालने के लिए। इधर हमने काजू को भी भिगो दिया है। इधर हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, इन सबको डाल के अच्छे से भून लेना है। ये हमारे थोड़े से गले से हो जाए तभी हमें गैस को बंद कर देना है। और ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में डालेंगे, इनका महीन पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है, इसको बाउल में निकाल लेते हैं। इधर हमने काजू भिगोए थे उनका भी पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो काजू का भी पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। इधर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, तेज़पत्ता, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी। इधर हमने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है, ये सारे मसाले डाल दिए हैं। मसाले हमारे भुन चुके हैं, इसमें डालेंगे हरी मिर्ची कटी हुई और साथ में ही टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट। इन सबको अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से भूनने के बाद अच्छे से मैश करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे जिससे हमारे नीचे से जले नहीं मसाले, और इनको और अच्छे से भूनेंगे। इनमें डालेंगे हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसका पेस्ट बना के। इस पेस्ट को भी हमें उसी ग्रेवी में डाल देना है जिससे हमारे ये सारे मसाले अच्छे से भुन जाएं। इधर हमने पानी डाल दिया है, जितना पानी आपको चाहिए, ग्रेवी जैसी रखनी हो। इधर डालेंगे पनीर मसाला, चाउमीन मसाला, चाट मसाला, गरम मसाला। ये सारे मसाले हमको अच्छे से मैश कर लेंगे। इधर डाल दिया हमने काजू का पेस्ट। काजू का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे से मैश करेंगे। साथ ही में डालेंगे इसमें पनीर के टुकड़े। पनीर डाल दिया है हमने, पनीर को भी अच्छे से चलाएंगे। थोड़ा सा चलाने के बाद इसमें डाल देंगे हम धनिया। धनिया के बाद थोड़ा सा चलाने के बाद डालेंगे ऊपर से कद्दूकस किया हुआ पनीर, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ऊपर से डालेंगे ताज़ी फ्रेश मलाई, इससे स्वाद दोगुना हो जाता है ताज़ी फ्रेश मलाई से। ये घर की मलाई है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।